वेलकम बैक गाइस। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला है और कुछ साइंटिस्टों को इस बारे में पता चलता है, और जब वो इसे गवर्नमेंट को बताते हैं तो वो इससे किस तरीके से हैंडल करते हैं, वही हमें इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम है केट, जो कि यहां पर पीएचडी की कैंडिडेट है, और यहां पर ये डॉक्टर मिंडी के अंडर में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रही है। अब ये टेलीस्कोप के थ्रू स्पेस में होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रखती है। तभी केट को स्पेस में एक ऑब्जेक्ट नजर आता है, और जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक कॉमेट है, और वो खुश हो जाती है। तभी वो अपने प्रोफेसर और बाकी टीममेट्स को भी वहां पर बुला लेती है। अब वहां आने के बाद सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और प्रोफेसर मिंडी उस कॉमेट को केट के नाम पर ही रखते हैं क्योंकि उसी ने उसे ढूंढा है। अब वो लोग उस कॉमेट के डाटा से ये पता करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, और तभी वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कॉमेट सीधा अर्थ को हिट करने वाला था। अब तभी वो लोग सीनियर लैब्स में इस बारे में बात करते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि दुनिया में प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम का भी कोई ऑफिस है। ये ऑर्गेनाइजेशन रियल में है, और दुनिया में ऐसी एक्टिविटीज पर ये लोग ही नजर रखते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं डॉक्टर ओगलथोर, उन्हें इस बारे में बताया जाता है। अब डॉक्टर ओगलथोर उनसे पूछता है कि ये कॉमेट कितना बड़ा है और किस स्पीड से धरती की तरफ आ रहा है, जिस पर वो बताते हैं कि लगभग 6 महीनों में धरती पर पहुंच जाएगा, और ये लगभग 5 से 10 किलोमीटर बड़ा है, और अगर ये पृथ्वी को डायरेक्ट हिट करता है तो धरती से सभी जीवों का नामोनिशान मिट जाएगा और पूरी धरती तबाह हो जाएगी। अब डॉक्टर ओगलथोर केट और डॉक्टर मिंडी को वॉशिंगटन डीसी आने के लिए कहते हैं ताकि वो प्रेसिडेंट को इस बारे में बता सके। अब वो लोग व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें डॉक्टर ओगलथोर और आर्मी के जनरल मिलते हैं। अब वो लोग वहां पर प्रेसिडेंट का वेट करते हैं क्योंकि वो अभी तक वहां पर नहीं आई थी। अब प्रेसिडेंट वहां आ जाती है, लेकिन वो उनकी बातें सुने बिना ही एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने लगती है, जिस पर डॉक्टर ओगलथोर उसके चीफ ऑफ स्टाफ से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना हम कितने सीरियस मैटर पर यहाँ आए हैं, और वो आदमी और कोई नहीं प्रेसिडेंट का बेटा था। अब वो डॉक्टर ओगलथोर से कहता है कि वो जानता है कि तुम सीरियस मैटर पर बात करना चाहते हो, लेकिन अभी प्रेसिडेंट थोड़ी बिजी है, वो तुमसे फ्री होकर मिलेगी। वो लोग पूरी रात वहीं पर वेट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उनसे नहीं मिलती। अब नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाती हैं। अब डॉक्टर मिंडी उन्हें उस कॉमेट के बारे में बताते हैं, लेकिन वो उसे बताते वक्त थोड़े नर्वस हो जाते हैं। तब केट उसके बिहाफ पर उनसे बात करती है, और वो बताती है कि 6 महीनों में ये कॉमेट धरती को हिट करेगा और पूरी धरती तबाह हो जाएगी। जिसे सुनकर प्रेसिडेंट और उनका बेटा हंसने लगते हैं कि ज्यादा फिल्मी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इससे पहले भी हमने बहुत सारी आपदाओं के बारे में सुना था जो कि होने वाली है लेकिन कभी हुई नहीं। लेकिन डॉक्टर ओगलथोर उन्हें इस बात को सीरियसली लेने के लिए कहते हैं क्योंकि इनके होने के चांसेस पूरे 100% थे, जिस पर वो कहते हैं कि ओके तो लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि नासा की टीम की हेल्प से वो लोग इस कॉमेट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे जिससे कि ये अर्थ से दूर हो जाए, जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो इस बारे में सोचेगी, लेकिन वो अभी भी इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि 3 हफ्ते बाद उन्हें इलेक्शंस के लिए तैयारी करनी थी। अब डॉक्टर ओगलथोर और डॉक्टर डिबियस की वहां से बाहर आते हैं, जो कि आपस में डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट ने उन लोगों को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए अब उन्हें डायरेक्टली मीडिया में ये बात लीक करनी होगी। अब केट बताती है कि उसका एक दोस्त है जो किसी न्यूज रिपोर्टर को जानता है और वो इसमें उन लोगों की हेल्प कर सकता है। अब सबसे पहले वो लोग कुछ साइंटिफिक सोसाइटीज के लोगों से मिलते हैं ताकि वो उन्हें उस सिचुएशन के बारे में बता सके, जिसको जानने के बाद वो सभी लोग उन्हें मीडिया में इस बात को लीक करने का सपोर्ट करते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट उन्हें सीरियसली नहीं ले रही। अब वो लोग द रिप नाम के शो में जाते हैं, ये बहुत फेमस शो था। इस शो में 2 एंकर थे, जैक और ब्री, दोनों ही बहुत ज्यादा कॉमेडियन थे, इसीलिए सभी लोग इनके शो को पसंद करते थे। अब डॉक्टर मिंडी और केट इस शो पर जाते हैं और वहां जाकर वो सभी लोगों को इस न्यूज के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन जब वो एंकर को इस बारे में बताते हैं तो वो लोग भी उनका एक तरीके से मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर केट उन पर भड़कने लगती है कि तुम इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे, और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद उस चैनल के एडिटर उन्हें अपने रूम में बुलाते हैं, जहां पर वो दिखाते हैं कि न्यूज को सभी लोगों ने तब पसंद किया था जब वहां पर सेलिब्रिटीज की शादी के बारे में जिक्र किया था, लेकिन तुम लोगों की न्यूज को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर केट, मिंडी और डॉक्टर ओगलथोर को FBI एजेंट्स उठा लेते हैं और वो सीधा उन सभी को लेकर प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन लोगों को कहा जाता है कि तुम लोगों ने न्यूज को लीक करके गलत किया, लेकिन फिर भी हम लोग तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अब प्रेसिडेंट बताते हैं कि नासा के साइंटिस्टों ने भी ये कंफर्म किया है कि वो कॉमेट डायरेक्टली धरती को हिट करने वाला है। तभी केट कहती है कि तुम लोग इस चीज को इसलिए सीरियसली ले रहे हो क्योंकि 3 हफ्ते बाद इलेक्शंस हैं और तुम्हारे पास अपनी जीत के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम इस कॉमेट को रीजन बनाना चाहते हो ताकि लोगों को
सबको लगे कि तुम कितने अच्छे प्रेसिडेंट हो। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम ऐसा भी मान सकती हो। अब केट कहती है कि रीजन कोई भी हो, कम से कम तुमने इस चीज को सीरियस तो लिया। अब नासा के साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया जाता है कि वो लोग उस कॉमेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाएं। अब नासा इस चीज पर काम करना शुरू करता है और जिस रॉकेट को उस कॉमेट पर लेके जाना है उसे ड्राइव करने के लिए वो लोग एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को चुनते हैं, जो कि पहले ही पब्लिक में काफी ज्यादा बदनाम था क्योंकि वो लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता था। जिस पर डेवियस की और डॉक्टर मिंडी दोनों कहते हैं कि क्या ये आदमी उसके लिए ठीक रहेगा। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये उस काम के लिए बिल्कुल सही आदमी है। अब फाइनली लॉन्च का दिन आ गया था। अब एक रॉकेट और बहुत सारी मिसाइल्स को धरती से लॉन्च किया जाता है ताकि वो उस कॉमेट को जाकर डिफ्लेक्ट कर सके। तभी वहां पर खड़ा एक आदमी, इसका नाम पीटर है, ये प्रेसिडेंट को बाहर बुलाता है और उसके 5 मिनट बाद सभी मिसाइल्स और वो रॉकेट वापस से धरती की तरफ आने लगता है और लोगों को बताया जाता है कि मिशन में कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से मिशन को फिलहाल के लिए रोकना होगा। तभी प्रेसिडेंट उस रूम में वापस आती है जो कि उन्हें बताती है कि हमें अभी फिलहाल ही कुछ पता चला है। अब प्रेसिडेंट और उन सभी साइंटिस्टों की एक स्पेशल मीटिंग होती है जहां पर वो आदमी पीटर भी आता है। दरअसल ये एक बहुत बड़ी टेलीफोन कंपनी का मालिक है जिस कंपनी का नाम बैश है और वो बताता है कि उस कॉमेट के ऊपर बहुत सारा ऐसा मिनरल्स हैं जो कि हमारे मोबाइल फोन्स को बनाने में यूज होता है और वो धरती से जल्दी ही खत्म होने वाला है, इसलिए हम उस कॉमेट के ऊपर से उस मिनरल्स को निकाल सकते हैं। अब वो उन सभी को अपना प्लान बताता है जिसमें वो छोटे छोटे ड्रोन्स बनाएगा और उसे उस मीटियोराइट पर भेजेगा और उससे उस मीटियोराइट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसे धरती पर लेकर आएगा ताकि वो उसके ऊपर से उन मिनरल्स को निकाल सके। और प्रेसिडेंट भी उसका इसमें सपोर्ट करती है क्योंकि उससे उसे बहुत सारा पैसा मिलने वाला था। अब डॉक्टर मिंडी बाहर आकर ये बात केट और डॉक्टर ओसोल को बताते हैं और साथ ही वो उन्हें ये भी बताते हैं कि वो व्हाइट हाउस के नए साइंस चीफ एडवाइजर बन चुके हैं। अब इतना सुनने के बाद केट पैनिक करने लग जाती है और वो ये कहती है कि ऑलरेडी ये मिशन पहले ही पॉसिबल नहीं था और अब वो लोग अपने फायदे के चक्कर में पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब केट उस रेस्टोरेंट में खड़े होकर जोर जोर से इस बारे में बोलने लगती है जिससे वहां के लोग आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो उन्हें भी सच्चाई बता देती है कि गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट के लिए उस मीटियोरॉइड को अर्थ से टकराने देंगे। अब ये बात सुनने के बाद सभी लोग उस जगह पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं तो FBI आकर केट को फिर से पकड़कर ले जाती है। और दूसरी तरफ सभी लोगों को गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो कॉमेट सभी के लिए अच्छा होगा, उससे मिलने वाले मिनरल्स पूरी दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल होंगे। अब गवर्नमेंट ने लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि वो कॉमेट अच्छा है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर मिंडी को वहां का रोल मॉडल बना दिया और उनके थ्रू कुछ एड्स लोगों को दिखाई जिससे सभी को ये यकीन हो जाए कि वो कॉमेट सभी के लिए अच्छा होगा। अब इन एड्स को देखने के बाद सभी लोग केट को विलन समझने लगते हैं। उसके खुद के पेरेंट्स भी उसे घर में एंटर करने नहीं देते। अब डॉक्टर मिंडी पीटर के साथ जाकर उन ड्रोन्स को देखता है जो उस कॉमेट को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अर्थ पर लेकर आएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि जिन साइंटिस्टों ने पीटर को ये समझाया कि ये मिशन इम्पॉसिबल है उन सभी को जॉब से निकाल दिया गया है। और जब डॉक्टर मिंडी ये बात पीटर से पूछता है तो वो उसे वार्न करता है कि वो बस अपने काम से मतलब रखे और इधर उधर ध्यान ना दे। अब इतना सुनने के बाद जब डॉक्टर मिंडी एक रियलिटी शो में पहुंचते हैं जहां पर वो पहले भी गए थे, वहां पर वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और सभी को बताते हैं कि जस्ट लुक अप क्योंकि वहां से एक कॉमेट आ रहा है जो धरती को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब डॉक्टर मिंडी केट के साथ और डॉक्टर ओसोल के साथ मिलकर एक नया शो लॉन्च करते हैं जिसमें वो सभी लोगों को कहते हैं कि जस्ट लुक अप और वो लोगों को बताते हैं कि ये कॉमेट कितना खतरनाक हो सकता है, जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट एक नया शो लॉन्च करती है कि डोंट लुक अप और वो लोगों को ये कहते हैं कि डॉक्टर मिंडी और केट नहीं चाहते कि अर्थ पर ऐसे मिनरल्स आएं जो कि सबका भला कर सकते हैं। ओवरऑल वो उनकी नेगेटिव इमेज लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे थे और लोग उनकी बातें मानने भी लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब सभी लोग अपनी आंखों से उस कॉमेट को देख पा रहे थे जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। तभी सभी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं और उन्हें डॉक्टर मिंडी और केट पर बिलीव हो जाता है। अब डॉक्टर मिंडी और केट को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर ओसोल को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि रशिया, इंडिया और चाइना मिलकर उस कॉमेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन वो रॉकेट भी लॉन्च पैड पर ही ब्लास्ट हो जाता है और उनका ये मिशन भी फेल हो चुका था और डॉक्टर ओसोल अब समझ चुके थे कि अब वो अर्थ को नहीं बचा पाएंगे। अब डॉक्टर मिंडी और केट डॉक्टर मिंडी की फैमिली के पास जा रहे होते हैं ताकि वो अपना लास्ट टाइम उनके साथ बिता सकें। और दूसरी तरफ हमें पीटर और प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिन्होंने हाल ही में अपने रॉकेट लॉन्च किए थे ताकि वो उस कॉमेट को छोटे पार्ट्स में तोड़कर अर्थ पर ला सकें, लेकिन वो देखते हैं कि लॉन्च पर ही उनके 2 पार्ट्स खराब हो जाते हैं। लेकिन पीटर सबको शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वो बताता है कि साइंटिस्टों ने उसे विश्वास दिलाया है कि वो बाकी ड्रोन से उस कॉमेट को तोड़ने में कामयाब रहेंगे। अब उसके बाकी ड्रोन उस कॉमेट पर पहुंचते हैं लेकिन
लैंड होते वक्त उनमें से कुछ ड्रोन्स और खराब हो जाते हैं। अब लगभग उनके पास 24 ड्रोन्स बचे थे। अब वो उस कॉमेट को ब्लास्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उस कॉमेट पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन ब्लास्ट के बाद वो लोग देखते हैं कि वो कॉमेट उतने छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं हुआ जितने उन्हें जरूरत थी, और वो बड़ा कॉमेट अब सीधा अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। और ये सब देखकर वहां के सभी लोग डरने लगते हैं। तभी पीटर उनसे कहता है कि वो अभी आ रहा है और वो उस रूम को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट भी उनके पीछे चली जाती है। अब उन लोगों के वहां से जाने के बाद सभी लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जेसन सबसे कहता है कि वो लोग वापस आएंगे तो तुम यहीं बैठे रहो, और जेसन वहीं रुकता है और सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब फाइनली डॉक्टर मिंडी अपने घर पर पहुंचते हैं जहां पर उनकी फैमिली उनका वेट कर रही थी। अब वो लोग अपने आज रात के डिनर के लिए तैयारी करते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर ओधोल भी आ चुके हैं। अब वो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर मिंडी को प्रेसिडेंट का कॉल आता है जो कि उनसे माफी मांगती है कि जब उनके पास टाइम था तो उन्हें डॉक्टर मिंडी की बात सुननी चाहिए थी। और प्रेसिडेंट डॉक्टर मिंडी से कहती है कि उन लोगों ने एक दूसरी गैलेक्सी में अर्थ जैसा एक प्लैनेट देखा है जहां पर वो सभी लोग अब जा रहे हैं। तो डॉक्टर मिंडी और उनकी वाइफ को उनके साथ चलने के लिए ऑफर करती है, लेकिन डॉक्टर मिंडी उनके इस ऑफर को मना कर देते हैं और अपनी फैमिली के साथ यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। और वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि प्रेसिडेंट और उनका बेटा जेसन दोनों ही उस नए प्लैनेट पर बहुत खुश रहेंगे। और तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने जेसन को अपने साथ लिया ही नहीं, वो अभी भी उसी रूम में बैठा हुआ था। और अब हम उस मीटियोराइड को साफ साफ देख सकते हैं जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा था, और जैसे ही वो अर्थ से टकराता है एक बहुत बड़ी सुनामी पूरी अर्थ पर फैल जाती है जिससे आसपास की सभी चीजें तबाह हो जाती हैं। और डॉक्टर मिंडी और उसकी फैमिली भी इसी ब्लास्ट में मारे जाते हैं, यानी कि अर्थ पर अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो रॉकेट स्पेस में दूसरे अर्थ जैसे प्लैनेट को ढूंढने के लिए निकला था उसे फाइनली वो प्लैनेट मिल जाता है, और अब वो सभी लोग उस प्लैनेट पर लैंड करते हैं। और जब वो शिप से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर डायनासोर जैसे क्रीचर रहते हैं। और हमें लास्ट में जेसन को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लास्ट में बच गया था और अपना स्टेटस अपडेट करता है और सबको बताता है कि वो दुनिया का आखिरी इंसान बचा है इस धरती पर। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।